आज मैं एक अनबॉक्स करने वाला हूँ ये जो है फायर वोल्ट का फायर बोल्ट निंजा कॉलिंग, मतलब ये अपने प्राइस में बेस्ट है। हर चीज बेस्ट बोलता हूँ, हर बार वही बेस्ट बोलता हूँ, बट क्योंकि 7000 में भी बेस्ट था, इससे पहले भी मैंने फायर वोल्ट का एक इनविजिबल जो है स्मार्ट वॉच वो मैंने अनबॉक्स किया था, उसके बारे में बताया था, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक और आई बटन मिल जाएगा और जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके पहले एक और भी वीडियो बनाया था लाइक वो सैमसंग का एक्टिव 2, तो उसके बारे में बताया हूँ, तो वहाँ भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी अपने प्राइस में। बट मैं आज फिर से बोल रहा हूँ ये अपने प्राइस रेंज में ना सबसे बेस्ट, क्योंकि ये मात्र बहुत ही कम प्राइस में सिर्फ 2500 में लिया हूँ, बट इसका एक्चुअली 500 का डिस्काउंट था, फिर भी ये ना अपने प्राइस में भी कुछ दिन में प्राइस और भी कम जाएगा, कि और भी कंपिटिटर्स जो है बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट वॉच निकाल रहे हैं, बट फिर भी अभी के टाइम में ना सबसे अच्छा स्मार्ट वॉच इस प्राइस में। तो कैसे है सारा फीचर इस वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूस्टेक में, मेरा नाम मुकेश, और आज का वीडियो मेरा बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये जो है सबसे अच्छा स्मार्ट वॉच है और मतलब अपने प्राइस रेंज में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा कि हमें सपोर्ट मिल सके, ऐसे ही मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। ये फायरवॉल्ट स्मार्ट वॉच का बॉक्स है जिसके फ्रंट में लिखा गया है निंजा कॉलिंग, जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ आता है, मतलब कि यहाँ पे आप कॉल को पिक भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। और नीचे और भी कुछ लिखा गया है, जैसे कि हो गया कि 1.69 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एक IPS डिस्प्ले है, मतलब TFT डिस्प्ले से अपग्रेड है, जो कि IPS डिस्प्ले बहुत अच्छा डिस्प्ले होता है, मतलब यहाँ पे आप ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ परफेक्ट दिखने को मिलता है। यहाँ पे आगे वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, 30 स्पोर्ट मोड मिल जाता है, यही सब लिखा गया है। राइट साइड में मेंशन किया गया है SpO2 मिलेगा, हार्ट रेट मॉनिटर होता है, देन बैक साइड में कुछ फीचर को मेंशन किया गया है लाइक कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, वेदर ऑप्शन मिल जाता है, अलार्म सेट कर सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे ये सब देखेंगे प्रैक्टिकली। एंड आगे लेफ्ट साइड में सेम बात को मेंशन किया गया, मतलब हर तरफ सेम बात लिखा गया है। ओके, इसमें गेम भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे ना, आगे देखेंगे कि कौन कौन सा गेम है, कैसा चलता है, मतलब एक छोटे से स्मार्ट वॉच में कैसा गेम चलता है ना। फटाफट से हम बॉक्स को ओपन करते हैं, एक छोटा सा कट लगाते हैं, देन रैपिंग को हटाते हैं। नाउ बॉक्स को हम ओपन करेंगे। अब देन ओपन करते ही बॉक्स को यहाँ पे सामने से फ्रंट में ही आपको खूबसूरत सा एक वॉच देखने को मिल जाता है, जो कि एक रोज़ गोल्ड कलर का है। मैंने रोज़ गोल्ड कलर का ही मंगवाया है, और भी बहुत सारे कलर में आते हैं, जैसे कि हो गया ब्लैक कलर, डार्क ग्रीन, मेटल ग्रे, सिल्वर कलर भी मिल जाता है, बट मैंने जो मंगवाया ना रोज़ गोल्ड में, ये वाओ वाला फीलिंग देता है, मस्त कलर है। वॉच को साइड में रखते हैं, साइड में रखने के बाद बॉक्स को हम आगे देख लेते हैं क्या क्या मिल जाता है। जस्ट कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक चार्जिंग केबल मिलता है जिसे हम वॉच के साथ कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं, एक बुक मिल जाता है, वहाँ से आप वॉच के बारे में पढ़ सकते हो, इसे साइड में रखते हैं। एंड नाउ मिलता है एक वारंटी कार्ड, बुक माई शो का कार्ड, और गाने का सब्सक्रिप्शन कार्ड मिल जाता है, एंड एक गेम का कार्ड मिलता है, टोटल एक्स्ट्रा और भी 4 कार्ड मिल जाते हैं इसमें। देन बॉक्स इस सब को हम साइड में रखते हैं, एंड हम वॉच की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये चार्जिंग केबल है, कुछ इस तरीके से आप वॉच के साथ कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। वॉच की वेट की बात करें तो केवल ये 40 ग्राम का है, बहुत हल्का है, और इसका स्ट्रेप भी काफ़ी सॉफ्ट है, सॉफ्ट सिलिकॉन का बना हुआ है, जिससे हाथों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पहनने में। वॉच के बैक साइड की में कुछ सेंसर दिया गया है, लाइक हो गया वहाँ से मेजर कर सकते हैं SpO2, हार्ट रेट मॉनिटर होता है, और भी कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि स्टेप काउंट वगैरह, सारा एक्टिविटीज़ यहाँ से ही मेज़र किया जाता है। एंड ऊपर की तरफ चार्जिंग डॉक है, नीचे फायरवॉल्ट की ब्रांडिंग दी गई है। वॉच के लेफ्ट साइड में स्पीकर दिया गया है, स्पीकर ग्रिल है, एंड राइट साइड में एक माइक है, और वॉच को कंट्रोल करने के एक बटन दिया गया है। वॉच को फटाफट से बूट करते हैं, बटन को क्लिक करके होल्ड करना है, होल्ड करते ही यहाँ पर बूट होना चालू हो जाएगा फायरवॉल्ट की ब्रांडिंग के साथ। बूट होने के बाद सबसे पहले वॉच के फ्रंट में ही वॉच के डायल को होल्ड करते हैं, तो आपको डायल जो है चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड वॉच में ऊपर से नीचे की तरफ अगर स्वाइप करेंगे ना, तो यहाँ पर शॉर्टकट पैनल देखने को मिलेगा,
इसमें कुछ शॉर्टकट पैनल शॉर्टकट दिया गया है, लाइक हो गया ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, स्टॉप वॉच मिल जाता है, कैमरा कंट्रोलर मिल जाता है, टॉर्च है, सेटिंग है, देखते हैं सेटिंग में आगे भी देखेंगे। एंड नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं तो नोटिफिकेशन मिल जाता है, जहाँ से आप फोन से परमिशन दोगे कि वॉच में कौन कौन सा नोटिफिकेशन चाहिए, तो वहीं से सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिला SpO2, हार्ट रेट मॉनिटर, स्टेप काउंट, स्पोर्ट मोड, म्यूजिक कंट्रोल के विजेट्स मिल जाते हैं, और मतलब इसके सारे इस सब सारे विजेट्स को आप ऑपरेट कर पाओगे और कस्टमाइज करके और भी विजेट ऐड कर सकते हैं। एंड नाउ मेनू में चलते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ अगर स्वाइप करते हैं तो मेनू बटन में मेनू मिल जाता है, और मेनू में ग्रिड लुक जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे खासकर बहुत अच्छा लग रहा है, और इस लुक को आप चेंज भी कर सकते हो, ग्रिड से नॉर्मल मोड में ला सकते हो। आगे मेनू में देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टॉप वॉच, अलार्म अलग अलग दिया गया है, ब्रीथ सिस्टम SpO2, और ये इसमें ना गेम भी मिल जाता है, यहाँ पर गेम को ओपन करते हैं यहाँ पर मिल जाता है देखने को 3 गेम, और ये सब सिर्फ टाइम पास करने के लिए है, एक छोटे से डिवाइस में गेम मिल जा रहा है खेलने को, सोच रहे हैं क्या हो रहा है, भर भर के फीचर दिया गया इस प्राइस रेंज में। और ये जो स्ट्रिप है ना हम इसे अलग भी कर सकते हैं, मतलब कि रिमूवेबल है, और आप अलग कलर के भी स्ट्रिप यूज कर पाओगे इसमें ऐड करके। देन नाउ मैं मोबाइल के साथ वॉच कनेक्ट करता हूँ, वॉच कनेक्ट करने के लिए मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉक्स पे ही QR कोड है, इसे स्कैन करके हम डॉफिट नाम के एक ऐप को इंस्टॉल करते हैं। देन नाउ मैं कनेक्ट करता हूँ वॉच को, मोबाइल में ऐप्स को सारे परमिशन देने के बाद डिवाइस ऐड करना है, तो डिवाइस यहाँ पर ऐड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप क्लिक करते ही संग निंजा कॉलिंग दिखा देता है और कनेक्ट कर लेना है। नाउ ऐप के ऊपर थोड़ा ध्यान दे देते हैं और क्या क्या फीचर है देख लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे फ्रंट में ही फेस चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब वॉच फेस चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से वॉच फेस चेंज करना है और यहाँ पर सिलेक्ट करना है, देन डाउनलोड होगा और वॉच फेस चेंज हो जाएगा। देन आगे मुझे अब आगे देखते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जहाँ से आप ऑन कर सकते हैं कि कौन कौन सा नोटिफिकेशन आपको चाहिए, व्हाट्सएप का, मैसेज का, और भी अदर सारा सब कुछ आप ऑन करके आप नोटिफिकेशन वॉच में ले सकते हो। यहाँ से आप कैमरा भी कंट्रोल कर पाओगे, तो यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप एक पिक ले पाओगे, मतलब तो मैं एक पिक लेके दिखा दे रहा हूँ, देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक पिक लिया और ये किस तरह से दिख रहा है। एंड नाउ आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे क्लिक करते हैं एंड सिंक पे क्लिक करेंगे ना तो मोबाइल का जितना भी कॉन्टैक्ट है सारा वॉच में आ जाएगा सिंक करते ही, और यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हो, तो मैं आगे कॉल करके बताऊँगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। और आगे देखते हैं तो फाइंड माई वॉच मिल जाता है, अब यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ भी देख सकते हो, मतलब कि दिन भर आपने कितना स्टेप काउंट किया, कितना स्टेप लिया, हार्ट रेट कितना चल रहा है, और एक्टिविटीज़ कौन सा किया, कौन सा वर्कआउट किया, नहीं किया, सब कुछ आप स्लीप मॉनिटर सब कुछ आप यहाँ पर ही इसके एक्टिविटीज़ के हिस्ट्री में भी देख पाओगे। एंड आगे चलते हैं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट को देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट आया है कि नहीं। ओके यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन मेरा आया, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन किस तरीके से देख पाते हैं आप, मैं बाहर जाके दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि नोटिफिकेशन आया हुआ है, और इस तरह से आप देख सकते हो। एंड नाउ इस ऐप के मोबाइल प्रोफाइल के सेक्शन में जाके आप अपने पिक को भी चेंज कर सकते हो, देन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गूगल फिट का ऑप्शन दिया गया है, तो मतलब कि आप गूगल फिट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो वॉच को, तो एक अच्छी बात है। अब मैं इसमें एक कॉल करके दिखा देता हूँ कि साउंड क्वालिटी कैसा है, और एक वाटर टेस्ट भी करेंगे क्योंकि इसमें IP67 का सपोर्ट मिलता है। 1918 पे कॉल किया, और ये कॉल करने के बाद क्या शो करता है, सुन पा बोल दिया, कैसा लगा ये स्मार्ट वॉच और ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये हमारा जो स्मार्ट वॉच है ना निंजा कॉलिंग, तो ये
कॉलिंग के हिसाब से इस प्राइस रेंज में सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें जो जो फीचर है और स्मूथनेस है तो काफ़ी अच्छा है, और अदर स्मार्ट वॉच आपको नहीं भी देखने को मिलेगा इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा स्मार्ट वॉच। तो मैं बहुत सारे कंपेयर करके ही ये लिया हूँ, तभी जाके मैं आपको बता पा रहा हूँ कि हाँ ऐसे, और प्रैक्टिकली आपको अभी दिखा दिया कि हाँ ये IP67 का भी रेटिंग मिल जाता है, जिसमें वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब कि थोड़ा मोड़ा वाटर लग गया था कोई दिक्कत नहीं है, बारिश के टाइम कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ऐसे ही आगे भी बहुत सारे वीडियोस लाता रहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, जैसे कि हो गया स्मार्ट वॉच के फ़ोन के ऊपर, और सबका रिव्यू लाऊंगा, कंपेयर वीडियोस भी लाऊंगा, तो हमारे चैनल को सब बने रहेगा। आशा करता हूँ बहुत पसंद आएगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी दूसरों तक पहुंचती रहे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। मिलते हैं।